तो आपको मिटा देगा जिसको गद्दी चाहिए जिसको पद चाहिए उसे अपने घर की सैलों की या नील कमल की कुर्सी पर चाणक्य नीति आज तुम तो इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि चाणक्य ने नीति लिखी थी बिलगेट्स डोली चाय वाले के पास में आए कि भाई चाय पिलाओ लोगों ने कहा कि भाई बिलगेट्स ये तो बुद्धिमान व्यक्ति इसके पास में कैसे पहुंचे अगर मैं मोदी जी का एग्जाम्पल लेता हूँ जो हमारे देश के पीएम बन गए इस इंसान ने पचास साल की उम्र तक इंसान के पास में कोई पोलिटिकल पोस्ट नहीं थी टेम्पलेट बांटे हैं पर्चे बांटे हैं प्रचार किया है जो धंधा करने वाला आदमी होता है वो चार पांच साल तक इंतजार करता है लेकिन जिसको राज करना होता है राज करना होता है उसको साथियों बात 1905 की है कर्नाटक के मैसूर में एक लाइब्रेरियन को कुछ पत्र मिलते हैं कुछ पत्तियां मिलती है जिनके ऊपर ग्रंथ लिपि में कुछ लिखा गया है और ये व्यक्ति थे रुद्र पतन शमा शास्त्री 1905 की बात है कर्नाटक का मैसूर इलाका और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कुछ अनयूज़ुअल था कुछ नॉर्मल नहीं था ऐसा माना गया कि ये कुछ वो कंटेंट था जो कई सालों से ढूंढा जा रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था बात 1905 की पांच की रुद्रपतन शमा शास्त्री उन्नीस में उस किताब का संस्कृत में अनुवाद करते हैं और 1915 में अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और जब 1915 में उस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद होता है तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रुद्र पतन समाज शास्त्री का नाम गूंज रहा होता है उनको सौ से ज्यादा अवार्ड दिए जाते हैं उनको महा उपाध्याय की सुपर रेस्पेक्टेड उपाधि दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों की श्रेणी में वो काउंट होने लगते हैं इवन महात्मा गांधी भी उनसे मिलने की इच्छा प्रकट रखते हैं और एक सेपरेटली एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं उनके साथ में मैसूर के राजा रुद्रपतन समाज को सम्मानित करते हैं वो कुछ पत्र क्या था उनमें ऐसा जो पाम लीफ थी जो उनको मिली जो पत्तियां थी इनके ऊपर कुछ लिखा गया था ग्रंथ स्क्रिप्ट में वो एक्चुअली में कॉपी थी एक फेमस किताब की जो फोर्थ सेंचुरी बीसी में लिखी गई द अर्थशास्त्र द कौटिल्या पॉपुलरली नोन एज चाणक्य तो यहां से शुरुआत होती है चाणक्य नीति की यानी कि उन्नीस जब इंडिया में चाणक्य नीति की बात होना शुरू होती है 1909 में इसका translation संस्कृत में होता है और 1915 में अंग्रेजी में और उसके बाद रुद्रपतन समाशास्त्री भारत के एक मुख्य विद्वानों में आ जाते हैं एक लाइब्रेरियन के औधे से वो इंसान रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों की कैटेगरी में आ जाता है और ताकत होती है उसके पीछे चाणक्य नीति की ताकत होती है उसके पीछे कौटिल्य की विष्णुगुप्त की तो आज बात जो हम लोग कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चाणक्य नीति की क्या इसका इंपॉर्टेंस है क्या इसकी वैल्यू है मैं ओटीटी भारत से बात कर रहा हूं यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत और मेरा एक मिशन है कि हिंदुस्तान के दस करोड़ लोगों को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाया जाए क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा व्यू है कि अगर किसी भी देश के लोग शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से अगर शक्तिशाली होते हैं तो उसको विश्व गुरु के लिए किसी स्टाम की जरूरत नहीं होती वो देश स्वतः ही विश्व गुरु बन जाता है तो बात हम चाणक्य नीति की कर रहे हैं देखिए आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात आपको बताता हूं ये कुछ ग्रंथ लिपि ऐसी दिखाई देती है कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए और आगे जब वो ट्रांसलेट होती है तो क्या होता है खैर चाणक्य कौन थे चाणक्य वॉज अ किंग मेकर देखिए हमेशा हमेशा दुनिया का इतिहास रहा है कि किंग से ज्यादा किंग मेकर की वैल्यू होती है आज भी हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर उन चुनाव में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जिताने का काम करता है तो चाहे उस व्यक्ति का नाम कुछ भी हो उसे चाणक्य कह दिया जाता है तो ही वॉज अ किंग मेकर स्ट्रेटेजिस्ट और थिंकर थे द हिस्ट्री ऑफ नेशन अराउंड 300 सो बीसी इनका जन्म हुआ साढ़े तीन सो बीसी उम्मीद करता हूं कि इसका मतलब आपको समझ में आता होगा बी इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा यानी कि अभी वर्तमान समय में 2024 चल रहा है तो चाणक्य का जन्म जो हुआ होगा उसमें साढ़े तीन सौ और जोड़ना पड़ेगा तो चाणक्य का जन्म जो है वो आज के तेईस सौ चौहत्तर साल पहले हुआ ठीक है ना जब बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा कॉमन एरा अभी चल रहा है इंसान को पैदा हुए तो बहुत समय हो गया कॉमन एरा हमने फर्स्ट ईयर से काउंट करना शुरू किया जब जीसस का जन्म हुआ वहां से लेकर आज तक 2024 आ गया है ठीक है ना? और यहाँ उनकी डेथ हो गई ऋषि चाणक्य के पुत्र थे वो पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था और सी बात है वो बिहार में है पटना बिहार ने कई महान लोगों को जन्म दिया है उनमें चाणक्य भी एक थे जन्म के समय इनका नाम विष्णुगुप्त था लेकिन बाद में इनको चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना गया एजुकेशन को पूरा करने के बाद में वो प्रोफेसर बन जाते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो फिलहाल पाकिस्तान में है और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के प्रधानमंत्री बनते हैं ये हमारे पास में वो तक्षशिला जगह है पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की तक्षशिला जगह है और यहां पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे तो ये सारी बेसिक बातें जो ये चाणक्य नीति 1905 में रुद्रपतन शर्मा शास्त्री की वजह से भारत में वापस आई थी है। तो मैं ये मौर्य एम्पायर है चंद्रगुप्त मौर्य शायद आपको पता नहीं होगा कई बार ऐसा लगता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बन गए नंदवंश एक साम्राज्य था जैसे मौर्य एम्पायर दिख रहा है वैसे नंदवंश कुछ इसी एरिया में था क्योंकि इसी को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सब चीजें ये अपना साम्राज्य कंट्रोल में किया तो में राजा धनानंद थे राजा धनानंद ने जो उनका राज कार्यक्रम चलता था तो उसमें चाणक्य भी उनके सलाहकार थे तो राजा धनानंद ने चाणक्य की डिसरेस्पेक्ट की थी उनका अपमान किया था और उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया कैसे तैयार किया वो भी बता देता हूं एक बार चाणक्य रास्ते से गुजर रहे थे क्योंकि ब्राह्मण थे तो दान मांगते रहते थे किसी से ना किसी से कुछ जो उनको जरूरत होती थी मांगते रहते थे तो वहां पर एक कबीला था वो उस कबीले से मांगने गए को इंसिडेंट वो चंद्रगुप्त मौर्य से मांगने लगे वो एक छोटा सा बालक था पंद्रह साल के आसपास का रहा होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको बोला कि ये हमारी दस बारह गायें हैं यहां पर ये गायें ले जाओ और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पंद्रह साल के इंसान की बात को किसी ने भी नकार आने उसका कबीले में से जब चाणक्य ने कहा कि इनको ले जाओ माफ करिएगा जब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि इनको ले जाओ तो चाणक्य उसको लेके चले गए और उनको आश्चर्य हुआ कि यार पंद्रह साल के बच्चे की बात पूरा कबीला मान रहा है उसने इस उम्र में मुझे गायें दे दी मैं लेके भी आ गया और कुछ तो बात है उसमें फिर उसको ट्रेन करते हैं और नंद साम्राज्य नंद वंश का नाश करने के लिए आगे की शिक्षाएं देते हैं जिसमें चाणक्य नीति एक हिस्सा है तो मैं होपफुली आपको समझा पा रहा हूं कि इस तरीके से कहानी चलती है एक और चीज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर जो आपको समझ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से वो ये है कि देखो चाणक्य ने चाणक्य ने जिनको ट्रेन किया वो थे चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य की संतान थे बिंदुसार बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक राजाओं का राजा सम्राट अशोक पता इनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है दैट ही वाज सन ऑफ ग्रेट फादर ही वाज सन ऑफ ग्रेट फादर फादर ऑफ ग्रेट सन फादर ऑफ ग्रेट सन चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे और उनके बेटे सम्राट अशोक थे इनके बारे में कहावत प्रचलित है कि ये सन ऑफ ग्रेट फादर ऑबियस सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर और उसके बाद में बिंदुसार जो है तो उसका सम्राट अशोक हुए जिन्होंने इस साम्राज्य को और फैलाया

नंदवंश का सत्यानाश करना है खात्मा करना है गोल तो पहली चीज तो हम चाणक्य से यही सीख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में गोल होना असेंशियल है चाहे वो किसी भी चीज का हो आपको लाइफ में कुछ भी सिग्निफिकेंट करना है तो गोल होना मस्ट खैर मुद्दे की शुरुआत करते हैं चाणक्य कहते हैं यहां से असली खेल शुरू होता है जो हमको समझने की जरूरत है चाणक्य कहते हैं कि कोई भी इंसान जो अपने परिवार से बहुत ज्यादा अटैच्ड है उसको जिंदगी में दुख और पीड़ा ही मिलेगी दुख और पीड़ा तो जब कभी भी हमें हमारी जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि हमें परिवार से दूर जाने का रास्ता मिल रहा है वो किसी एजुकेशन की वजह से हो सकता है शिक्षा के लिए हो सकता है व्यापार के लिए हो सकता है किसी काम के लिए हो सकता है कोई ट्यू ट्रेवल के लिए हो सकता है जब भी ऐसा मौका मिले कि उसमें परिवार से दूर जाना है बिना सोचे वो काम त्वरित तो रूप से करना चाहिए क्योंकि आप परिवार से जितना दूर जाएंगे परिवार उतना ही आपको पास खींचेगा उतना ही आपके परिवार में इज्जत होगी और इस दुनिया का इतिहास है कुछ लोगों का इतिहास है दुनिया जितनी आप संसार देखते हैं हम सभी लोग मुश्किल से पचास साठ लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं बाकी लोगों को भी इंक्लूड कर ले तो पांच सौ छत इससे ज्यादा लोगों का इतिहास नहीं दुनिया और आप ये मानकर चलिए कि इस दुनिया में जिसने भी इतिहास बनाया है वो घर से बाहर निकल के बनाया है क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अनुशासित हो जाते हैं डिसिप्लिन हो जाते हैं कि यार मैं घर छोड़कर आया हूं मुझे कुछ करना है डिसिप्लिन रहना है कोई पार्टी नहीं कोई दोस्त नहीं कुछ नहीं बस काम पे फोकस करना है अनुशासन आता है और जब वो अनुशासन आप में आता है जब आप घर छोड़ देते हैं तो अनुशासन ही शासन करने की शक्ति आप में देता है जिस इंसान को खुद पर शासन करना आ गया वो दूसरों पर तो शासन कर ही लेगा लेकिन जो खुद पर शासन नहीं कर पा रहा है जो खुद इनडिसिप्लिन है चार बोतल बोल का काम मेरा रोज का कोई मुझके ना रोके ना टोके हाँ आंटी पुलिस बुला लेगी पार्टी यूं ही चलेगी एंड सो so ऑन डिसिप्लिन क्योंकि क्या होता है देखिए घर छोड़ना मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि जब आप कहीं पर भी जिस भी एरिया में आप पैदा होते हैं जहां पर भी आप पैदा होते हैं वहां आपके मित्र बनते हैं और मित्रों का एक ही काम है कि हम कैसे ना कैसे पार्टी की प्लानिंग कर लें और पार्टी का एक ही काम है आपकी कैपेबिलिटीज को कम करना क्योंकि ज्यादातर पार्टी नशे के इर्द गिर्द घूमती है किसी पार्टी में यह नहीं होता कि भाई आइए जूस पीजिए आइए ड्राई फ्रूट खाइए उसमें बात यही होगी क्या है? छोटी गोल्ड फ्लेक पीते हैं छोटी गोल्ड फ्लेक पीते हैं या फिर पार्टी में बात यही होगी कि, कि दारू चलेगा सुट्टा चलेगा दुनिया का इतिहास जब भी आपको निमंत्रण मिलेगा वो निमंत्रण कमजोर बनाने के लिए दिया जाएगा शक्तिशाली बनने के निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं वो खुद को ही खुद के लिए खुद के लिए खुद को ही अनुशासित होने पर मिलते हैं निमंत्रण हमेशा एक चीज के लिए मिलेगा कि आओ बर्बाद होने की शुरुआत करते हैं आओ कमजोर होने की शुरुआत करते हैं आओ शौक बड़ी चीज है जिंदगी तो चलती रहेगी लेकिन जब आप परिवार से दूर जाते हैं उस एरिया से दूर जाते हैं तो आप रिश्तेदार माँ बाप भाई बहन सबसे दूर जाते हैं और आप डिसिप्लिन हो जाते हैं आप ये समझ जाते हैं कि जीवन में जब एकाकीपन है अकेलेपन और एकाकीपन में अंतर है तब तो आप एकाकीपन आपकी जिंदगी में होगा डिसिप्लिन होगा क्रिएटिविटी होगी नई थिंकिंग होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे इसे समझ लें इसलिए हमेशा हमेशा अटैचमेंट को खत्म करना चाहिए डिस्कार्ड करना चाहिए अगर किसी को खुश रहना तो कि घर परिवार जब बड़ा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हर वक्त चलती ही रहती है कुछ ना कुछ होता ही रहेगा हर वक्त डी अटैच और कोशिश करो कि जब आप घर से बाहर आ गए तो अपने परिवार अपनी फैमिली को बड़ा मानो बड़ा मानो आज हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं तो इसलिए उस इंसान ने हमारे देश को परिवार माना ऐसे नहीं है कि दो चार पांच लोगों तक ही हमारा परिवार से मिले नहीं कता ही नहीं लेकिन जिंदगी में जब भी शिक्षा के लिए मौका मिले घर छोड़ने का छोड़ दो मैं फिर कह रहा हूं घर छोड़ने से आज तक कोई नहीं पछताता है घर में रहने वाले लोग पछताते हैं घर छोड़ने वाले लोग कभी भी नहीं पछताते हैं इस बात को लिख लेना और एक और चीज आपने कॉलेज में कॉलेज में जो भी शिक्षा हासिल की है ना कॉलेज में स्कूल में कॉलेज में उससे दस गुना शिक्षा टेन आपको यात्रा से मिलेगी यात्रा से मिलेगी नए लोगों से मिलने से मिलेगी आज अगर भारत में देखा जाए तो गुजराती लोग सबसे आगे ठीक है गुजराती लोग भारत में सबसे आगे आप ये देखना कि गुजराती लोग सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं यात्रा अलग अलग जगह की सीखते हैं अब तुम गुजरातियों के बारे में जो कहो कहो लेकिन महात्मा गांधी गुजराती मोदी अमित शाह गुजराती जो भी देश पे शासन कर रहे हैं अंबानी अडानी गुजराती अब तुम इनके आगे चाहे जो लगा दो किसी कोई बेकार लगते होंगे कोई कहेगा कि लुटेरे हैं ये हैं वो है ना जाने क्या क्या बोल सकते हैं आप लेकिन ये देश के नामी लोग हैं और गुजरातियों से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि जिंदगी में जितना संभव हो सके यात्रा करनी चाहिए जो भी इंसान घर से बाहर निकला है मैं आपको सच बता रहा हूं उस इंसान ने जन्मदिन को जयंती में परिवर्तित किया है अगर किसी बड़े मिशन को साथ में लेकर निकला है तो उस इंसान ने जब अपने घर के मार्ग को छोड़ा है बाहर जाकर उसका स्मारक बना है तो जितना संभव हो सके जब भी यह संभव हो पाए तो हम हमारे छोड़ दे घर को छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट द बिगेस्ट गुरु मंत्र जो ये कह रहे हैं अब ये चाणक्य क्या कह रहे हैं चाणक्य ये संदेश दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि बाबू तुम होंगे सम्राट लेकिन अगर तुमने खुद के सीक्रेट किसी को बताए तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं हमला करने का पुराने समय में राज्य नहीं होता था राजा नहीं होता था वो जंगल था किसी की बाउंड्री यहां तक किसी की बाउंड्री यहां तक किसी की बाउंड्री यहां तक जंगल था और उसमें कौन कब हमला कर दे कुछ नहीं पता है कोई श्योरिटी नहीं कोई गारंटी नहीं है कौन कब हमला कर देगा और कभी कभार संधि होती थी बीच में ट्रीटी होती थी संधि होती थी तो संधि तब तक चलती थी जब तक दोनों की ताकत बराबर है जिस दिन कोई दूसरा ताकतवर हो गया संधि खत्म हमला ये राज्य भी हमारा है सीक्रेट अपने किसी को नहीं बताने सीक्रेट कौन से जो इन्होंने कहा वो ये कहा कि भाई हमारी सेना कैसे ट्रेन करती है हमारी सेना की स्ट्रेटेजी क्या है हमारी सेना में कितने लोग कैसे काम करते हैं किसका क्या रोल है खैर ये हमारे लिए वैलिड नहीं होगी यहां मैं सीक्रेट की बात कर रहा हूं अभी क्या होता है जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है लोग क्या करते हैं जैसे कोई साधारण भाषा में इस्तेमाल करो जन भाषा में हाँ, कि कोई किससे मिल गया रिश्ता बन गया एक निब्बा एक निब्बी हाँ वो वो क्या करेंगे पासवर्ड शेयर कर देंगे क्या से हम दोनों एक हमारा रिश्ता सात जन्म का या फिर न्यूड फोटोग्राफ शेयर कर देंगे ये आपके सीक्रेट से और मैं आपको फिर कह रहा हूं जिंदगी में जब भी आप कुछ ढंग का बनने का प्रयास करोगे उस स्तर से ऊपर उठने का प्रयास करोगे अपनी जिंदगी में सक्सेस की तरफ जाओगे ये लोग मिस मिसयूज़ करेंगे सीधा मतलब यह है कि आप जब भी किसी इंसान के स्वार्थ से बाहर जाकर अपना कुछ जीवन में भविष्य की प्लानिंग करेंगे ये लोग आपके इन्हीं सीक्रेट्स का मिसयूज़ करके आपके ऊपर हमला करेंगे आप देख लेना कभी भी देख लेना एक चीज ऑब्जर्व करना जैसे मान लो बहुत सारे राज्य हुए बहुत सारे एंपायर हुए कहीं पर भी ऐसा राजा था कमजोर था लंगोट का कच्चा था स्त्री मोह में फंस गया काम वासना में निपट गया सेक्स की लालसा में ही खत्म हो गया आप देखना वो राजा कभी भी लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया क्योंकि उसका सीक्रेट सबको पता होता था कि इसके लिए ये काम कर दो खत्म है इसका खेल इसके लिए ये काम कर दो इसका ये जुगाड़ कर दो इसका खेल खत्म है डिसिप्लिन नहीं है तो, तो अगर आपको जो लगता है कि आपकी जिंदगी में ये कोई सीक्रेट है जो किसी को पता नहीं होना चाहिए नहीं पता होना चाहिए मान लेते हैं कि आप किसी एग्जाम के टॉपर बन गए या घर में सब आपकी बात मानते हैं घर में आपकी चलती है तो क्यों चलती है आप टॉपर क्यों बन गए आप अल्ट्रा सक्सेसफुल क्यों हो गए कैसे आप सफल हुए हाँ गाइड सबको करो लेकिन अपने सीक्रेट किसी को देकर आप अपने लिए दुश्मन तैयार कर रहे ये बात ध्यान रखना अपनी लाइफ में बहुत क्लियर रखना ये बात ध्यान रखना कि कमजोर लोग जिनके सीक्रेट सबको पता होता है क्योंकि आपका सीक्रेट ही तो आपकी शक्ति है जिस दिन वो पता लग गया खत्म कोका कोला कंपनी है कोका कोला है। में क्या है कोका कोला में क्या है पानी है पानी है शुगर है सीओ टू है हा और शुगर को न्यूट्रलाइज करने के लिए फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं फास्फोरिक एसिड फास्फोरिक एसिड लिखा नहीं रहता आ, लिखा उस पर रहता शायद ई थर्टी थ्री वो ई थर्टी थ्री क्या है वो फास्फोरिक एसिड है लेकिन कोका कोला का एक सीक्रेट फॉर्मूला है फास्फोरिक एसिड लिख देंगे तो लोग पिएंगे नहीं ना ये इसमें एसिड, एसिड है और फास्फोरिक एसिड है उससे अपने फॉस्फोरस कम होता है दांत खराब होते हैं हड्डियां खराब होती है ई थर्टी थ्री लिख देते हैं लेकिन इसकी एक सीक्रेट रेसिपी और इसी के दम पर यह कंपनी एक बिलियन डॉलर कंपनी है खरबों का कारोबार है इसका लेकिन ये किसी को सीक्रेट दे दें तो कारोबार रहेगा खत्म हो जाएगा बचेगा ही नहीं तो हमें ये समझ लेना है कि सीक्रेट कोई भी सीक्रेट आपका चाहे पढ़ने का तरीका हो खाने का तरीका हो मेरा तो कोई सीक्रेट बचा नहीं मैंने तो आपको अपना सब कुछ दे दिया है जितना मुझे आता जाता है मैं आपको सिखाता जाता हूं क्योंकि तो मेरे सीक्रेट देश को जस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने के काम आएंगे ये तय मुझे आप लोगों से जीतना नहीं है आप लोगों के साथ आगे बढ़ना है <laughs> राज करने की पहली शर्त है ये ट्रस्ट नो वन एक्सेप्ट योर क्योंकि पता है क्या होता है जब तुम किसी दूसरे पर भरोसा करते हो तो तुम प्रयास करना कम कर देते हो और जब तुम प्रयास करना कम कर देते हो तो तुम शिकार करना भूल जाते हो और जब तुम शिकार करना भूल जाते हो तो जिसको शिकार करना नहीं आता वो राजा किस बात का और फिर राजा को चुनौतियां मिलना शुरू होती है। किंग बनने की शर्त तो यही है कि अपने आप को धार देते रहो क्योंकि युद्ध होकर रहेगा विराम कुछ समय की बात है युद्ध तो होगा लड़ाई तो होगी संघर्ष तो आएगा लेकिन तुम तैयार हो कि नहीं तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कॉन्सेप्ट यह तुमने भरोसा किया क्यों ताकि तुम थोड़ा आराम कर पाओ तुम जब भाई अब मेरा काम ये कर लेगा मैं आराम कर आराम तुम जैसे करने गए तुम्हारे प्रयास कम और प्रयास कम मतलब तुम शिकार करना भूल गए तो अगर इसको शिकार करना ही नहीं आता तो मैं इसको राजा क्यों मानू राजा नहीं है राजा नहीं हमेशा खुद को धारदार रखो धारदार कैसे अच्छा खाओ क्योंकि तुम कमजोर पड़े शिकारी घूम रहे हैं हर तरफ कमजोर पड़े तुम शिकार बन जाओगे अच्छा खाओ बहुत जरूरी पसीना बहाओ, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ. अच्छे से सो अच्छे से सोना है और जो भी आपका प्रोफेशन है जो भी आप पढ़ाई करते हो प्रोफेशनल हो जो भी काम करते हो उस काम को पूरे शिद्दत से पूरे जुनून से करो शिद्दत से करो एक पूछ रहे हैं कि आप क्यों खुद के सीक्रेट्स बता रहे हैं क्योंकि चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को सारे सीक्रेट्स बता दिए थे चाणक्य के ऊपर थोड़ा हमला कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने मैं तुम लोगों को सीक्रेट अगर बता दूंगा तो तुम मेरे ऊपर हमला कर दोगे अपने आप को तैयार रखो मैं फिर कह रहा हूं युद्ध का विराम कभी नहीं होगा ये बात चाणक्य ने भी कही है ये चाणक्य ने भी कही है वॉर इज परमानेंट युद्ध तो होकर रहेगा वॉर इज परमानेंट भारत के साथ में कभी चाइना दिखाता है कभी पाकिस्तान नेतागिरी करता है युद्ध अटल सत्य तुम्हारी जिंदगी में भी लगातार समस्याएं आती रहेगी कभी क्या कभी क्या कभी क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये दुआ करो कि हे ईश्वर समस्या मत देना ताकत और बनाओ कुछ ऐसी न्यूज सुनी कि ये हो गया और चक्कर गिर पड़े तुम्हें तुम्हारे पास फोन क्यों आया हाँ? भाई फोन आया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है फोन आया आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और तुम चक्कर आगे नीचे गिर गए अरे भाई का एक्सीडेंट हुआ हो सकता है उसको खून की जरूरत हो तुम खुद पहले शहीद पड़े हो वो तुम्हारी जिंदगी का युद्ध है तुम्हारे भाई पर हमला हुआ है एक्सीडेंट हो गया है युद्ध तो तुम्हारा शुरू हो गया लेकिन तुम इतने कमजोर सैनिक हो कि तुम पहले गिर गए क्या निहाल करोगे तुम वॉर इज द परमानेंट स्टेट अफेयर युद्ध कभी नहीं रुक सकता पीस इज ए जस्ट ए इंटरवेल शांति सिर्फ इंटरवेल है युद्ध तो चलेंगे शक्ति चाहिए उसके लिए शक्ति तीन चीजों पर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रुकना चाहिए तीन चीजों पर बॉडी ब्रेन अभी जो तुम्हारा तुम इस सेशन को देख रहे हो तुम यहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और बैलेंस यानी कि पैसा स्टूडेंट लाइफ है तो विद्या बुद्धि बोल सकते तीन चीजों पर बी फॉर बॉडी बी फॉर ब्रेन बी फॉर बुद्धि इन तीनों पर इन्वेस्टमेंट चलते रहना चाहिए बिकॉज वॉर इज परमानेंट स्टेट अफेयर पीस इज इंटरवेल तो जब पीसफुल टाइम है तो शक्ति को बढ़ाओ और अपने आप को तैयार करो युद्ध के लिए ये चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि अगर शांति है तो ये मत समझना कि शांति हमेशा रहेगी युद्ध होगा तुम अगर शेर भी हो तब भी गीदड़ हमला करेंगे अपने आप को शेर साबित करने का प्रयास करेंगे लेकिन जब तुम शेर हो तो सिर्फ शेर मत रहो ताकतवर शेर बनो ताकि कोई हमला करने से पहले दस बार सोचे इस घमंड में ना जियो कि मैं तो राजा हूं मैं तो शेर हूं कौन हमला कर सकता है अगर तुम ताकतवर नहीं बन रहे हो इस चीज को समझ लो अगर तुम ताकतवर नहीं बन रहे हो तो ताकत तुमसे क्षीण हो रही है तुम कमजोर हो रहे हो या तो ताकत को अपने में समाहित कर लो या फिर ताकत अपने आप बाहर जा रही है ताकत रुकती नहीं है ताकत रुकती नहीं है। विद्या भी नहीं रुकती या तो आ रही है या सब भूले जा रहे हो या तो आ रही है या सब भूले जा रहे हो अपने आप को शक्तिशाली बनाने पर काम करो क्योंकि वॉर इज अ परमानेंट स्टेट अफेयर युद्ध कभी रुक नहीं सकता कभी तुम्हें ध्यान चला कि पापा की तबीयत खराब नहीं पापा को एकदम से कुछ डायग्नोज हो गया और अब आप घर में तो हालात खराब है करे तो क्या करें जाए तो जाएगा मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है एक मेरी स्टूडेंट है नाम नहीं लूंगा उसका अगस्त महीने में अगस्त 2023 में उसके फादर की डेथ हो जाती है क्या हुआ जिंदगी में एक युद्ध छिड़ गया युद्ध तलवारे लेके आना युद्ध नहीं होता कि सामने वाला तलवार लेके आए तुम तलवार लेके आए ये युद्ध नहीं है फादर की डेथ हो गई युद्ध छिड़ गया उस इंसान ने इसी साल इसी साल जी एडवांस क्रैक किया है इसी साल बात सिर्फ इतनी सी है वॉर इज खून बहना वार नहीं होता है दोस्त जिससे भी आपको तनाव हो रहा है जिससे भी आपको बेचैनी हो रही है जिससे भी आपको समस्या हो रही है वो सब युद्ध है और अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाओगे तो युद्ध आपको मिटा देगा खैर ट्रिटीज आर जस्ट ट्रिटीज संधि सिर्फ संधि है चंद्रगुप्त मौर्य जब सिकंदर महान जिसको कहा जाता है जब उसकी मृत्यु होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य एक सेना तैयार करता है चाणक्य के, के निर्देशन में और नंद वंश का खात्मा करता है और आसपास के सारे एरिया को जीतते हुए सम्राट बन जाता है संधि तो बस संधि है एक दिन टूटेगी हिटलर ने तो इसी थीम पे काम किया हिटलर ने इसी थीम हिटलर कई लोग हिटलर को सबसे खूंखार व्यक्ति कहते हैं बेइज्जत करते हैं और बदतमीज से इसका नाम लेते हैं मैं आपको सच बता रहा हूं हिटलर वो द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन जिस दिस उस इंसान ने सुसाइड किया उस दिन भी वो इंसान सुबह साढ़े तीन उठा था ये डिसिप्लिन था उसमें आप दुनिया में जिस भी इंसान का नाम सुनते हो कि इस इंसान ने शासन किया तो भाई शासन एक ही दम पे होता है अनुशासन जिसमें अनुशासन नहीं है वो शासन नहीं कर सकता जिसको गद्दी चाहिए जिसको पद चाहिए उसे अपने घर की सैलो की या नील कमल की कुर्सी पर 10 से 12 घंटे बैठ के घिसवाना पड़ेगा जो चमक घिसवाने से हासिल होती है वो चांदी या सोने की चमक से हासिल नहीं होता जो पसीने की चमक होती है जो घिसवाने की चमक होती है जो बैठ कर एक फोकस के साथ में एकाग्रता के साथ में और समर्पण के साथ में मेहनत करने से जो चमक आती है जिसे पद चाहिए जिसे शक्ति चाहिए जिसको कुर्सी चाहिए उसको कुर्सी पर बैठना पड़ेगा ये तय है ये तय है तो हमें अगर शासन करना है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही संधि तो संधि है एक दिन टूटनी है जो ही कोई स्ट्रांग बनेगा वो तुम्हारे पर हमला कर देगा जैसे ही किसी के जीवन में मजबूती आएगी वो तुम्हारे पर हमला करेगा कि नहीं मारो यह तय है तो अगर तुम ये सोचते रहोगे कि मैं शेर को नहीं खाता हूं तो शेर मुझे भी नहीं खाएगा तो ऐसा नहीं होगा हम पड़ोसी के साथ सीधे हैं तो पड़ोसी भी हमारे साथ सीधे रहेंगे जब उनको मौका मिलेगा सब कुछ छीन लेंगे तुम्हारा जमीन छीन लेंगे इज्जत छीन लेंगे बदतमीजी करेंगे पार्किंग को लेकर लड़ाई होगी लेकिन तुम घर में शक्तिशाली बने तो उनकी औकात नहीं होगी कि तुम्हारा कुछ कर ले इस चीज को समझ भारतीय वो भी है हमें तो तहजीब से रहना है लेकिन तहजीब तहजीब से लोग रहने तभी देते हैं जब तुम्हारे पास में पावर हो शक्ति हो चाणक्य की बातें मैं बता रहा हूं तुम्हें मेरी बातें नहीं है इज्जत से लोग जीने तभी देते आपके इसमें तो शक्ति हो कमजोर लोगों को तो हमेशा हमेशा परेशान किया जाएगा जिस सांप में जहर नहीं होगा लोग उसके साथ खेलने लगेंगे जिस सांप में जहर नहीं होगा उसको लोग गले में तांक लेंगे अपने आप को भोलेनाथ समझने लगेंगे जो सांप भूला है वो दूसरों को भोलेनाथ बनाएगा तो हमें ये समझना है शक्ति पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस जो मैं बात कह रहा था शांति सबसे बड़ी तपस्या है शांति की शर्त ही पावर है बिना इसके तो शांति संभव नहीं है खैर एक चीज समझ लो जिसके गोल निश्चित नहीं है वो कभी नहीं जीत सकता भारत के 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो जवान हैं, जो यंग हैं और के गोल डिफाइंड नहीं है देखो दो टाइप के गोल होते हैं एक शॉर्ट टर्मल गोल जिसको आप डे टू डे गोल बोल सकते हैं डे टू डे या वीकली टू मंथली गोल और एक होते हैं लॉन्ग टर्मल गोल लॉन्ग टर्मल जो आपके लाइफ टाइम गोल्स है ना लाइफ टाइम गोल्स हम हमेशा इसकी बात करते हैं ये जबकि ये गोल है ही नहीं ये तो प्रोसेस है गोल तो ये है जब आप इसको फॉलो करते हो तो ये हासिल होता है ये तो पाथ है ये तो एंड है ये और ये हमें डेली बेसिस पर लिखना पड़ेगा डी डब्ल्यू अभी रिसेंटली मैंने एक्लव्य के नाम से एक मेंटरशिप स्टार्ट किया है जिसमें लोग मुझे रिपोर्ट करना शुरू किए कि भाई आज मैंने क्या किया मैंने आज क्या किया व्हाट आई डिड मैं कल क्या करूंगा व्हाट आई विल आज का मेरा अचीवमेंट क्या है क्या मैंने ऐसा किया जो बेहतरीन था और क्या मेरा रिग्रेट क्या मेरा पश्चाताप जो मुझे नहीं करना चाहिए तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके लॉन्ग टर्मल गोल डिफाइन नहीं है अगर आपके गोल्स डिफाइन नहीं है तो आप मारे जाएंगे गोल मस्ट बी डिफाइंड क्लियरली कि मुझे ये करना है मुझे ये करना है मुझे ये करना है मुझे ये करना है एक कह रहा है कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का सीधा रास्ता है विल पावर कुछ करने की क्षमता करना क्या है? वो तो लिखो एन ईडियट विद ए प्लान कैन डिफीट ए जीनियस विदाउट द प्लान लिखो मैं आपको फिर कह रहा हूं चाणक्य नीति आज तुम तो इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि चाणक्य ने नीति लिखी थी हो सकता है कि इससे पहले चाणक्य से भी बड़े विद्वान लोग हुए हों लेकिन उनकी नीति कोई नहीं पढ़ रहा है क्योंकि लिखी ही नहीं गई है अपनी डायरी लिखो उस डायरी में तुम ये भी लिख सकते हो कि मैंने आज क्या सीखा है क्या मैंने नया सीखा क्या मैंने बेहतरीन सीखा हमें यह समझ लेना है कि हमें हमारी जिंदगी में मैं आपको फिर कह रहा हूं भटकते रहोगे भटकते रहोगे अटकते रहोगे और जीवन भर लटकते रहोगे कुछ हासिल नहीं हो पाएगा निर्णय सबसे पहले होना चाहिए कि जिंदगी में करना क्या है और शांत मन से लेना है शांत मन से शांत मन से एक बात ध्यान रखो कि ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं चाणक्य ने हमेशा हमेशा कहा उन्होंने नॉलेज को कामधेनु तक कहा कि असली कामधेनु जो है ना वो ज्ञान है क्योंकि आप जहां जाओगे वहां आपको सब कुछ देगा है इज्जत देगा पहचान देगा सम्मान देगा धन देगा ज्ञान आप में होना चाहिए चाहे वो किसी भी चीज का ज्ञान हो अगर आपके पास जिंदगी में ज्ञान है तो उससे बड़ी शक्ति दिस द मोस्ट प्रीसियस थिंग उनका कहना है कि लोग बाग मानते होंगे कि हीरा पन्ना चांदी सोना माना की कीमती है लेकिन ये सबसे ज्यादा कीमती नहीं विद्या के दम पर ज्ञान के दम पर इनको खरीदा जा सकता है इससे पावरफुल चीज कुछ मेरे को भी लगती नहीं आज अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं उनकी वैल्यू करते हैं तो क्यों करते हैं नॉलेज मुझे माफ करिएगा मैं शायद कोई गलत एग्जाम्पल ले रहा हूं लेकिन मान लेते हैं कि हमारे देश में एक ये शख्स है ये बहुत प्रचलित है ना चाय वाला तो हमारे देश में कोई भी हो फेमस हो ही जाता है इनको जानते हैं सब थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया लेकिन जब आप इनको देखते हैं तो क्या आपके मन में सम्मान की भावना आती है क्या आपके मन में ऐसे ख्यालात आते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है हो सकता है कि उस इंसान ने पहचान कमाई हो पहचान कमाई हो सम्मान और पहचान में उतना ही अंतर होता है जितना कि एक जनरल और एक एसी के डिब्बे में होता है होते पास पास में है लेकिन वहां से वहां तक जाना पूरी जिंदगी लग जाती पता है जनरल का डिब्बा और एसी का डिब्बा पास पास में होते हैं लेकिन उस ट्रांजिशन में जिंदगी बीत जाती बस यही अंतर होता है पहचान आपको मिल गई लेकिन सम्मान ये नॉलेज मांगेगी तो ये थोड़ा सा अंतर है मान लो मुंबई में एक एक मुंबई में एक प्रसिद्ध सर्जन है दिल्ली में मान लेते एक प्रसिद्ध सर्जन है ठीक है अब उनके पास हो सकता है वो इतना ज्यादा ऑपरेट करते हो कि उनके पास इससे बहुत ज्यादा पैसा हो बहुत ज्यादा माना कि इंटरनेट पे नहीं है तो हो सकता है थोड़ी पहचान कम हो लेकिन सम्मान इनसे कई गुना हो तो मेरा क्योंकि इंटरनेट का जमाना है किसी व्यक्ति ने आज के कई साल पहले एक बात कही थी कि एक समय ऐसा आएगा कि एक मिनट के लिए तीस सेकेंड के लिए हर कोई वायरल हो पाएगा या हर कोई पहचान बना पाएगा वो समय चल रहा है पहचान बनाना और सम्मान हासिल करना आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है दैट इज टू यू दैट इज टू यू मान लो आप इंटरनेट पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो गालियां देता है जब वो गालियां देता है तो आप उसको जानते हैं बेशक आप उसको जानते होंगे लेकिन क्या आप कभी ऐसा सपना पालते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है तो क्योंकि इंसान ने पहचान कमाई सम्मान नहीं कमाया जब तक जो इंसान आपके दिल में सम्मान नहीं कमाएगा आप उसके ऐसा नहीं बनना चाहे तो महत्वपूर्ण तो दोनों बातें है एजुकेशन नॉलेज उसके लिए बहुत जरूरी है ठीक है अब तुम मैं फिर उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जैसे मान लो बिल गेट्स, बिल गेट्स डोली चाय वाले के पास में आए कि भाई चाय पिलाओ उन्होंने चाय पिलाई लोगों ने क्या बोला लोगों ने कहा कि भाई बिल गेट्स इतना बुद्धिमान व्यक्ति इसके पास में कैसे पहुंचा तो इस व्यक्ति के पास में सम्मान है और इस इंसान ने उससे पहचान भी बनाई है नॉलेज है सम्मान है पहचान है। इसके पास में सिर्फ पहचान है और हो सकता है कि जो पहचान बिना सम्मान के होती है जिसकी नींव सम्मान नहीं होती ऐसी पहचान कुछ समय के लिए टिकती है और फिर चली जाती है तो आप देखिएगा कुछ ही समय में इनकी पहचान चली जाएगी क्योंकि इनकी नींव सम्मान नहीं है थोड़ा अंतर होता है खैर आगे चलते एक और चीज समझिए चाणक्य ने बात भी कही है चंद्रगुप्त मौर्य को भी चंद्रगुप्त दुनिया में इंसान को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए क्योंकि जंगल में जब लोग लकड़हारा लकड़ी काटने जाता है तो सीधे पेड़ को सबसे पहले काटता है सबसे पहले और मेरा यह मानना है थोड़ा सा इस चीज को आप लोग समझिएगा मेरा मानना है कि हमें अब देखो लोग कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे जब मैं कहूंगा स्ट्रेट ट्रीज तो लोग सम, समझेंगे कि हमें भी बदतमीज होना पड़ेगा हमें बदतमीज होना चाहिए ना 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 इसका मतलब यह नहीं है हमें हर वक्त हर बात नहीं बोल देनी चाहिए बदतमीज होने का मतलब नहीं है इसका कि हमें सीधे नहीं होना है बदतमीज होना है हमें गाली देना है हमें कूल होना है हमें सिगरेट पीनी है हमें दारू पीनी है हमको यहां पट्टा बांध के बाल लंबे करके घूमना है ये नहीं है इसका मतलब स्ट्रेट ट्रीज और मैं कहता हूं कि जो सीधे लोग हैं सीधा नहीं है अपने को तो थोड़ा चालाक बनना अब चालाक कैसे बनते हैं वो भी समझ लो चालाक कौन है जो चुप रहता है वही चालाक समय आने पर बोलता है खुद की बात आने पर बोलता है खुद की बात आने पर बोलता है बात आने पर बोलता है। वो चालाक है हर वक्त जो बड़बड़ाता रहे वो तो बेवकूफी है क्योंकि बहुत बड़ा सच जब जुबान का दिमाग से कनेक्शन कट जाता है तो इंसान कुछ भी बोलता है और इतना बोलते 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 उद्थ सारे खुद के सारी बातें बोल देता है खुद के सारे सीक्रेट बोल देता है सब कुछ बोल देता है लोग उसको पागल बोलते बेवकूफ बोलते हैं और कहते हैं कि यही है वो हा एक तो आजकल एक शब्द चल रहा है कि इसका कट गया उसका कट गया तो चाणक्य ने भी इस शब्द पर गौर किया है देखो हाँ उन्होंने कहा कि पेड़ वही कटेगा जो सीधा है और आज के समय में तो वो एक कहावत है ना कि आज के समय में एक नाई एक वो प्रोफेशन बचा है जो पूछ के काट रहा है कि कितना काटना है बाकी सब तो बिना पूछे काट रहे हैं और यही बात फिर चाणक्य ने कही है कि ये तो नियम है लोग बदल जाते हैं समय के साथ में चिंता मत करना क्योंकि ये नियति है परिवर्तन नियम है और परिवर्तन क्योंकि हम जब जलाए जाएंगे तो मिट्टी में दफन हो जाएंगे फिर उसी मिट्टी में कोई खेलता हुआ नन्ना बालक उसी मिट्टी में उगे हुए पेड़ को पौधों को खा खा कर वापस बड़ा बनेगा फिर वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा तो परिवर्तन तो नियम है परिवर्तन नियम इस बात का भी है कि लोग बदलेंगे लोग बदलेंगे लोग बदलेंगे तुम्हें धोखा देंगे घबराना मत क्योंकि लोग क्यों बदलेंगे क्योंकि उन्हें कोई अच्छा मिल गया होगा उन्हें कोई और अच्छा मिल गया होगा लेकिन तुम खुद को सर्वोत्तम बना लेना ताकि तुम्हारा कंपटीशन किससे बचे ही ना पर यह प्रयास तो तुम्हें करना पड़ेगा तुम खुद को सर्वोत्तम बना लेना इस चीज को तय मानो जब मैं आजकल कुछ लोगों को देखता हूं कि एक लड़का है एक लड़की है दोनों आपस में मिल ली अब लड़का जो होता है वो पूरा समर्पित हो गया सुबह से शाम तक इसी के बारे में सोच रहा है हर वक्त इसी के बारे में सोच रहा है रात को सो भी नहीं रहा है फोन चालू रख रहा है बोल दे रहा है लड़की को कि जानू आप सो जाओ लेकिन फोन चालू रखना मुझे आपके सांसों की आवाज सुननी और एक वक्त ना वो सो पा रहा है ना वो खा पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है एक दिन हर तरीके से कमजोर हो गया पढ़ाई में कमजोर हो गया शरीर से कमजोर हो गया दिमाग से कमजोर हो गया और ये तितली उड़कर किसी दूसरे फूल पे बैठ गई अब ये पागल हो जाएगा तितली तो उड़ेगी तितली तो उड़ेगी माफ करना मुझे अगर मैं किसी की भावनाओं को आहत कर दे रहा हूं तो मुझे माफ करना तितली उड़ेगी भंवरा भी उड़ सकता है इस ख्यालात में मत रहना। ना भंवरा भी उड़ सकता है लेकिन भंवरा थोड़ा सा कम उड़ता है लेकिन तितली उड़ेगी भंवरा भी उड़ेगी एक चीज समझ लो अगर तुम खुद पर इन्वेस्टमेंट करना तुम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ मत लगाओ शेयर मार्केट में लगाओ मत लगाओ किसी और चीज में लगाओ मत लगाओ जिस दिन तुमने खुद को शक्तिशाली बनाना बंद कर दिया उस दिन लोग तुम्हें छोड़ना शुरू कर देंगे अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ रहें तुम्हारे साथ में बने रहें तो ताकतवर बनाओ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ कमजोर लोगों को छोड़ा जाता है और खदेड़ा जाता है ताकतवर लोगों को कोई नहीं छोड़ पाता है। हर तरीके से क्योंकि नियम है एक बहन शक्तिशाली भाई चाहती है माँ बाप शक्तिशाली बेटा चाहते हैं शक्तिशाली बेटी चाहते हैं पत्नी शक्तिशाली पति चाहती पति शक्तिशाली पत्नी चाहता है सबको ताकत से प्रेम है तुम आज अगर टीवी पर भी किसी को देख रहे हो ना तो यू आर वॉचिंग समवन पावरफुल क्योंकि शक्ति से आंखों को प्रेम है शक्ति विष्णु को ही चाहती ताकतवर को ही चाहती तो हमें यह समझ लेना है कि आप अब फिर आप डिप्रेशन में चले गए फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास में चले गए आप खत्म हो गए तो कौन पूछने वाला आपको कोई नहीं खुद ही पार पाना पड़ेगा दुनिया में सब चलता रहेगा लेकिन तुम खुद को ताकतवर बनाओ अगर उसके बाद भी लोग तुम्हें छोड़ के जाते हैं तो पश्चात आप छोड़ने वालों को होगा तुम्हें कभी नहीं होगा शक्तिशाली बनना बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया तो बदलेगी ये तो तय है दुनिया तो बदलेगी चाणक्य कहते हैं कि सांप के दांत में जहर होता है मधुमक्खी के मुंह में जहर होता है बिच्छु के डंक में जहर होता है लेकिन एक नीच आदमी के हर जगह जहर होता है वो हर तरीके से मेंटली फिजिकली इमोशनली हर तरीके से आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा हर तरीके से मतलब मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं कि आप इस चीज को समझ लो कि आपकी संगत ही आपको जीवन की असली रंगत देगी तो आपकी संगत कैसी दैट विल डिफाइन एवरीथिंग क्योंकि क्यों संगत क्यों इस चीज को समझो संगत का इतना बड़ा रोल क्यों मैं क्यों संगत की बात कर रहा हूं उसमें क्योंकि मानो या ना मानो लेकिन ये बहुत बड़ा सच है बहुत बड़ा सच है कि हमारी जिंदगी में जब कोई मक्खी सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यही मक्खी सोना तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत हजारों में बढ़ जाएगी तो हम किसके साथ में बैठते हैं उसी से हमारी कीमत निर्धारित होती है ये भी चाणक्य क्या कहना है अब चाणक्य की बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उस वक्त दस हजार ये सब करेंसी वरेंसी नहीं चलती होगी ये सब बात को बाद में थोड़ा सा एडिट मैनिपुलेट करके रखा गया है बट चाणक्य ने ये बात तो कही है कि अगर मक्खी सोने के साथ में बैठेगी तो कीमत पटाख से चेंज हो और सोने के साथ मक्खी के बैठने से जो तो दाम बढ़ा है वो सोने का नहीं बढ़ा मक्खी का बढ़ा है क्योंकि मक्खी का वजन है सब्जी के साथ बैठ रही तो क्या ही फर्क पड़ता है कोई फर्क पड़ने वाली तो बात ही नहीं संगत की रंगत होती है बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको पास में धैर्य नहीं है उसका ना वर्तवान है ना भविष्य ऐसा क्यों क्योंकि धैर्य आपको एक चीज देता है धैर्य यानी कि पेशेंस पेशेंस का सीधा मतलब है जो सतत प्रयास करने को तैयार हो देखो दो दो फिट के सौ गड्ढे खोदने से पानी नहीं आता है दो सौ फिट का एक ही खोदना पड़ता है तब पानी आता है तो जिसके पास में धैर्य नहीं है उसका ना तो फ्यूचर है ना उसका प्रेजेंट है और ना उसका पास्ट कभी रहा होगा क्योंकि जिसमें पेशेंस नहीं होगा वो कभी प्रयास नहीं करेगा वो थोड़ा प्रयास करेगा छोड़ देगा थोड़ा प्रयास करेगा छोड़ देगा रास्ता चेंज कर लेगा प्रयास करेगा छोड़ देगा रास्ता आज अगर मैं कहूं कि हमारा मिशन था कि मैं दस करोड़ लोगों को जोड़ना है और हमने इतना प्रयास किया अभी भी हम लोग सिर्फ पचास हजार लोगों तक पहुंच पाए हालांकि वीडियोस पर लाखों में लाखों की संख्या में लोगों ने उसे देखा लेकिन नहीं पहुंच पाया क्योंकि तो लोग शायद नहीं पहुंचा रहे लेकिन मेरे में धैर्य हम ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी में आपको फिर कह रहा हूं ओ टी टी भारत एक दिन इंडिया की पॉलिटिक्स को डिसाइड करेगा ये बात की गांठ बांध लेना आज हमारे सांसद बैठे होंगे हमारी संसद में और हम डिटरमाइन कर रहे होंगे कि कौन क्या और कैसे इस देश में होने वाला है शक्तिशाली तो हमें बनना पड़ेगा सेना तो हमें बनानी पड़ेगी धैर्य पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूं एक मजदूर को शाम के समय मजदूरी चाहिए नौकरी करने वाले को तीस दिन बाद सैलरी चाहिए जो धंधा करने वाला आदमी होता है वो चार पांच साल तक इंतजार करता है लेकिन जिसको राज करना होता है राज करना होता है उसको पचास पचास साल तक इंतजार करना पड़ता है मैं आपको बता रहा। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल में अगर मैं मोदी जी का एग्जाम्पल लेता हूं जो हमारे देश के पीएम बन गए इस इंसान ने पचास साल की उम्र तक इंसान के पास में कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं थी इस इंसान के पास में कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है पचास साल तक पैम्पलेट बांटे हैं पर्चे बांटे हैं प्रचार किया है जितना संभव हो सके और पचास साल के बाद इंसान सीएम बनता है फिर सीएम बनता है फिर सीएम बनता है बीच में छोड़ता है पीएम बनता है पीएम बनता है और फिर पीएम बनता है कंपाउंडिंग जितना जल्दी तुम कोई चीज चाहोगे उतना ही कम उसकी वैल्यू होगी बेलदार को मजदूरी करने वाले को शाम को पैसा चाहिए नौकरी वाले को तीस दिन बाद बिजनेस करने वाले को चार पांच साल बाद राजनीति जिसको देश की दशा और दिशा बदलनी हो उसको इंतजार करना पड़ता है धैर्य रखना पड़ता है ये तो बहुत जरूरी है